Pony day, my cook be get a lot of food to do that. Must have been as a very hairy of a kilometer city. Both as I and where as I and Rapid Kinwala quite common food was do that. In and out. Zimmy, they make me very much. A pretty and well name. A gay bingo to do me out to him. See, I'm going to see her about the egg bingo in the room of pocket. एक के पाकी तो है मेरे तो है एक पैसा की लगे मेरे पैसा की लगे मेरे अपने मेक इन पे मेरे पैसा की लगा हाइट की लगा मेक इन मेरे एक तो मैं मजबूर है खूब दिक्कत है गरीब परिवार हम लोग बाली पश्चिमी राजस्थान के जिला पाली का अत्यंत पिछड़ा ब्लॉक जो स्थित है अपने सर्वाधिक आदिवासी आबादी के साथ जिला मुख्यालय से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय से सीधे संबंध हेतु संसाधनों के अभाव से जूझना एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचित बाली ब्लॉक बाहरी दुनिया से कमोबेश अब तक अपरिचित है और संभवतः यही वह मुख्य कारण है जो बाली ब्लॉक के पिछड़ेपन की खबर देता है। सन 2009 से सतत सृजन मुख्यतः आजीविका वृद्धि हेतु बाली ब्लॉक के आदिवासी परिवारों में सक्रिय है। इस ब्लॉक में सृजन ने कार्य की शुरुआत की महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूह बनाकर, जिसके मूल में स्पष्ट रूप से था एक ऐसी महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य जहां निर्णय लेने की क्षमता प्रत्येक महिला में परिवार एवं समाज के स्तर पर अनिवार्य रूप से हो। लगभग 5 से 7 वर्ष पहले तक यहाँ के आदिवासी सीताफल की अहमियत से सर्वथा अनभिज्ञ थे। इन्हीं कारणों से कई वर्षों तक सीताफल के लोकल व्यापारी एवं बिचौली केवल 3 से 4 रुपए प्रति किलो की दर से सीताफल की खरीद करते रहे। उपलब्ध संसाधनों एवं समूह संकुल महासंघ में हुई चर्चाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मूल्य श्रृंखला में पहल द्वारा सीताफल में व्याप्त संभावनाओं से आदिवासी परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। डॉक्टर राम अवतार कौशिक के तकनीकी और ABF एम्पावर एवं समुदाय के आर्थिक सहयोग से सृजन ने 2013-14 में छोटे स्तर पर तथा 2014-15 में व्यापारिक स्तर पर सीताफल का कार्य संपादित किया। सीताफलों के सुनियोजित संग्रहण हेतु घूमर महिला प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में 8 ग्राम स्तरीय केंद्रों की स्थापना की गयी। सभी केंद्रों पर विशेष सहायता से विभिन्न स्तरों पर हिसाब किताब फलों की तुड़ाई ग्रेडिंग एवं संग्रहण हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन का कार्य किया गया। संग्रहण केंद्र पर होने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने एवं लेखा जोखा करने हेतु प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्थानीय महिलाओं को केंद्र प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र प्रमुख द्वारा प्रत्येक सदस्य से प्राप्त सीताफलों की प्रविष्टि उसकी व्यक्तिगत पासबुक एवं सामूहिक रजिस्टरों में की जाती है। तत्पश्चात घूमर की स्थानीय महिलाओं की सहायता से सभी केंद्रों पर संग्रहित फलों को वाहन द्वारा प्रोसेसिंग यूनिट पर भेज दिया जाता है, जहां पर सीताफलों के वजन की पुष्टि कर उसके अनुसार संग्रहण केंद्रों पर भुगतान किया जाता है। गत वर्ष 900 आदिवासी महिलाओं ने संग्रहण केंद्रों पर सीताफल विक्रय कर आय प्राप्त की। उन्हीं में से एक है ग्राम भिमाणा की चुन्नी बाई। सेंटर ने तो के ते पकता ते कोई खाए फेंकता नु कोई मेरे कोई लेता था आलता नहीं तेरा हर घर पर यह रहता पकोरा थी खाता न फेंकता न मर जी ये कोई कह देर नहीं थी ना सीता फड़ा थे ये मरे माँ सेंटर सालों की दोना दिन को मैं ना सीता फड़ो एक सीता फड़ो ने वह गितू कासूती दिन जाए तो लावे न बनना पियो आगे फोटो सीता फड़ो हो गया उन्हारा ताले 10 रुपया उना उसोटू होगा उना आले 8 रुपया उना उसोटू है इसोटू होगा तो उना रावे 7 रुपया बस उबा का 3 बा ने पहला 5 रुपया किलो थी लेता ने कोई 6 रुपया थी किलो लेता ने कोई लेता थी ने कोई घर पर जा रहा था दुए मरो जो फाइ दो ही ना सीता पड़ा माँ ये मर दो से उना गुमर माल से से दो सालों की दो ने सेंटर उना दिन को मरो जो फायदो गुमर माल लम्बा से सीता पड़ा वैसे ने पिया बिड़ा कह रहे 3,000 रुपये में बिड़ो की दो
3000 ભેળો કીધો છે રે 3 વેચી જર તે ના 2 વેચી જર કપનો લેદો એ પડવા વાળો ને 2 200 રૂપિયા પડવા વાળો કપનો લેદો ને 3 કાટા ખાતર ના એતરો કોમ મે ઇનો પીઓતી કીધો રે સંગ્રહણ કેન્દ્રો સે એકત્રિત કચ્ચે સીતાફળો કો પકાને કે લિયે પ્રોસેસિંગ સેન્ટર પર સ્ટોક કર લિયા જાતા હે જહાં સે પ્રતિદિન पके हुए फलों को छांटकर प्रोसेसिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। सीताफल प्रोसेसिंग के हर चरण पर स्वच्छता का पूरा ध्यान दिया जाता है। सर्वप्रथम महिलाएं चम्मच द्वारा सीताफलों में से बीज सहित गूदा अलग करती हैं, जबकि छिलकों को कंपोस्ट खाद बनाने हेतु गड्ढे में डाल दिया जाता है। बीज और पल्प को अलग करने हेतु एक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीनों द्वारा अलग किए गए बीजों को सुखाकर बीज वितरकों एवं कीटनाशक निर्माताओं को विक्रय कर दिया जाता है। वहीं गूदे के एक एक किलो के पैकेट बनाकर -35 डिग्री तापमान पर 7 से 8 घंटों तक फ्रीज किया जाता है। इस प्रकार निर्मित सीताफल के गूदे को -18 डिग्री के तापमान पर कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीजर में 1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रबड़ी, मिल्कशेक, आइसक्रीम एवं क्रश बनाने में किया जाता है। भूमर महिला प्रोड्यूसर कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में कुल 1,50,000 किलो सीताफलों का संग्रहण किया है व उनसे 25,000 किलो गूदा निकाला है। इसकी प्रोसेसिंग में 200 आदिवासी महिलाओं को श्रम प्राप्त हुआ है। हर साल औसतन 1500 मानव दिवस सृजित किए जा रहे हैं व घूमर महिला प्रोड्यूसर कंपनी में कुल 900 आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं, जो प्रतिवर्ष सीताफल बेचकर एवं लघु इकाइयों में कार्य करके औसतन 4,000 रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं। सृजन एक संदर्भ संस्था के रूप में सीताफल एवं अन्य लघु वन उपज आधारित आजीविका कार्यक्रमों में अपने 3 वर्षों का अनुभव एवं विशेषज्ञता को अन्य संस्थानों के साथ साझा करने हेतु प्रतिबद्ध है।